Hello everyone. Today we will see one-way and two-way table formulas and numericals. So ये एक numerical है जो नवंबर 20 के question paper में आया है. So यहाँ पे एक आपको table दी हुई है question में and आपको you need to find out the value of this alpha and beta and उसके लिए options दिए हुए हैं. तो ये कैसे solve करेंगे? ये अभी हम इस lecture में देखते हैं. मैं यहाँ पे थोड़ा समराइज कर देती हूँ. सो बेसिकली फाइनल एनोवा का जो गोल है एनोवा के लिए वो हमें कैलकुलेट करना होता है एफ रेशियो एंड वेयर एफ आपका है वेरिएंस बिटवीन ट्रीटमेंट्स एंड वेरिएंस विद इन ट्रीटमेंट्स. सो बिटवीन एंड विद इन वेरिएबिलिटी क्या है ये हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. सेकेंड क्या है कि ईच वेरिएशन इन द एफ रेशियो इज कंप्यूटेड एज एस एस बाई डी एफ. एस एस इज सम ऑफ स्क्वायर, डी एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो बिटवीन ट्रीटमेंट्स के लिए जो वेरिएंस है फॉर्मूला उसके लिए है एस एस बिटवीन अपॉन डी एफ बिटवीन एंड विद इन के लिए बिटवीन की जगह आपका हो जाएगा विद इन. ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम न्यूमेरिकल से समझेंगे अभी. एंड नेक्स्ट क्या है, टू ऑब्टेन ईच ऑफ एस एस एंड डी एफ टोटल वेरिएबिलिटी इज एनालाइज इनटू टू कंपोनेंट्स. तो टोटल क्या रहेगा बिटवीन एंड विद इन का एंड सेम फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए रहेगा बिटवीन एंड विद इन का. तो ये बेसिक शॉर्ट में एक समराइज वे में है टेबल को और न्यूमेरिकल को समझने के लिए. नेक्स्ट है टेबल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वन वे अनोवा. तो यहाँ पे है सोर्स ऑफ वेरिएशन. हेयर इज सम ऑफ स्क्वायर्स जिसे हम शॉर्ट में एस एस भी कहते हैं. डी एफ टेंड्स फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम. एम एस इज मीन ऑफ स्क्वायर एंड हेयर इज द एफ रेशियो. सोर्स ऑफ वेरिएशन में यहाँ आपका आया बिटवीन सैम्पल्स, यहाँ आपका आया विद इन सैम्पल्स एंड यहाँ रहेगा आपका टोटल. तो जब वन वे अनोवा की बात करते हैं वेयर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज देयर, तो आपका सम ऑफ स्क्वायर एस एस बी, बी टेंड्स फॉर बिटवीन, तो वो आपका रहेगा एन वन जितने भी आपके सैम्पल्स रहेंगे. ठीक है, पर्टिकुलर उस ग्रुप में एंड एक्स वन बार उस पर्टिकुलर ग्रुप का मीन एंड एक्स डबल बार. यहाँ ध्यान देना है डबल बार. यहाँ पे कई जगह आपको इसको ग्रैंड मीन भी बोल देते हैं. सो एक्स डबल बार इज बेसिकली जितने भी आपके लाइक ग्रुप होंगे उन सबके मीन का फिर मीन जो होगा वो हम और अच्छे से समझेंगे न्यूमेरिकल में. और इस तरीके से ये आपका एस एस बी का फॉर्मूला बनेगा. डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी आपकी के माइनस वन एंड जो के है वो है आपका टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन. एंड एम एस बी मीन ऑफ स्क्वायर बिटवीन रहेगा एस एस बी जो यहाँ से कैलकुलेट करके आया. ठीक है, एस एस बी अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा रहता है कई जगह और कई जगह आप यहाँ पर के माइनस वन भी लिख सकते हैं. सेम विद इन के लिए रहेगा, विद इन के लिए रहेगा समेशन ऑफ एक्स वन आई माइनस एक्स वन बार का होल स्क्वायर प्लस जितने भी आपके वेरिएबल्स रहेंगे वो. ओके, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा एन माइनस के. एन आपका है टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इन अ पॉपुलेशन. थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, जब न्यूमेरिकल देखेंगे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी. एंड मीन ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला रहेगा सेम, एस एस बी की जगह यहाँ हो जाएगा एस एस डब्ल्यू एंड के माइनस वन की जगह हो जाएगा एन माइनस के. सो एस एस डब्ल्यू है सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन ग्रुप्स, बी के लिए ये हो जाएगा बिटवीन ग्रुप्स एंड एस एस टी इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर. नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. लाइक सेटअप एंड एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेबल फॉर द फॉलोइंग पर एकर प्रोडक्शन डेटा फॉर थ्री वेरियंसेज ऑफ वीट. ठीक है, ए बी सी तीन वेराइटी है वीट का. ईच ग्रोन ऑन फोर प्लॉट्स. ठीक है, ये वन टू थ्री फोर डिफरेंट प्लॉट्स हैं एंड स्टेट इफ द वेराइटी डिफरेंसेज आर सिग्निफिकेंट. ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्टेन मीन ऑफ ईच सैंपल. ये एक सैंपल है. ठीक है, सैंपल वन, सैंपल टू एंड सैंपल थ्री. तो हम तीनों का पहले इंडिविजुअल मीन निकालेंगे. तो फर्स्ट रहेगा, सपोज इसको x1 कंसिडर किया तो x1 बार हो जाएगा, क्या रहेगा सिंपल 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 8 अपॉन 4 क्योंकि टोटल 4 सैंपल हैं. तो ये आ गया 6. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट x2 बार, ये हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 7 अपॉन 4 तो वो आपका आएगा 5. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट x3 बार, वो आएगा आपका 4. तो ये तो हुआ आपका ईच सैंपल का मीन. अब हमें ग्रैंड मीन निकालना है. तो ग्रैंड मीन कैसे होगा, ठीक है, मीन ऑफ इन सारे सैंपल्स का मीन या ग्रैंड मीन भी कई जगह बोलते हैं. तो वो हो जाएगा एक्स बार या एक्स डबल बार, वो होगा एक्स वन बार प्लस एक्स टू बार प्लस एक्स थ्री बार अपॉन के. तो टोटल यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन कितना है, वन टू थ्री, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5 प्लस 4 अपॉन 3 तो ये आपका आएगा ग्रैंड मीन आया आपका 5.
सो नेक्स्ट स्टेप रहेगा एस एस बिटवीन द सैम्पल्स. सो हियर इज द फॉर्मूला. सो हमारे पास थ्री वेराइटीज थी, एन वन, एन टू एंड एन थ्री. एंड तीनों में ही नंबर ऑफ सैम्पल्स फोर थे, फोर फोर एंड फोर. एंड हमारा जो ग्रैंड मीन था वो हमारा आया था फाइव. एंड एक्स वन बार जो था सैम्पल मीन फर्स्ट वो था सिक्स, सिंपल मीन टू था फाइव एंड सैम्पल मीन थ्री था फोर. तो इस तरीके से जब सॉल्व किया तो एस एस भी आया हमारा एट. नेक्स्ट है, नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे एस एस विद इन. तो हेयर इज द फॉर्मूला फॉर एस एस विद इन. एंड यहाँ पर वन आई, टू आई एंड थ्री आई ये समझ लेते हैं. वन आई मीन्स जो आपका फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट फर्स्ट जो वेराइटी है उसके अंदर आपके चार सैंपल थे, सिक्स सेवन थ्री एट. एंड जो आपका मीन था फर्स्ट वेराइटी का जो सैंपल मीन था वो आपका सिक्स था. तो सिक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस सेवन माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस एट माइनस सिक्स का होल स्क्वायर. अब नेक्स्ट आएंगे एक्स टू आई. तो वो आपके सैंपल जो वी था, पॉपुलेशन जो वी थी, उस वी वी के अंदर थे आपके फोर सैंपल्स, वो थे फाइव फाइव थ्री फाइव. एंड जो मीन आया था उसका वो था फाइव. तो इस तरीके से कैलकुलेशन किया. नेक्स्ट में भी आपके फोर ही सैंपल थे टोटल, तो वो थे और उसका मीन था आपका फोर. तो फाइव फोर थ्री फोर इस तरीके से कैलकुलेट किया. फॉर्मूला दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है बट आपको अगर समझ में आ गया है तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है. सो एस एस विद इन आया आपका 24. सो नेक्स्ट है कैलकुलेट द टोटल वेरियंस. तो टोटल हियर इज द फॉर्मूला फॉर टोटल वेरियंस. इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो आई और जे. जो टोटल सैंपल्स हैं तीन वेराइटी हैं, तीनों में चार चार सैंपल हैं, तो थ्री इंटू फोर टोटल आपके ट्वेल्व सैंपल्स हुए. और ग्रैंड मीन है आपका फाइव, तो इसलिए सिक्स सेवन थ्री एट ये पहले सैंपल की वैल्यूज थी, पहली वेराइटी की वैल्यूज थी. फाइव थ्री सेवन फाइव ये सेकेंड वेराइटी वी के सैंपल से, एंड फाइव फोर थ्री फोर ये आपके थर्ड वेराइटी के सैंपल्स थे. तो इस तरीके से आप समेशन ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आया आपका 32. दूसरा तरीका ये है सिंपल जो है वो आप दोनों को ऐड करेंगे एस एस बी एंड एस एस डब्ल्यू को, तो देखेंगे कि आपका 32 आएगा. सो हियर इज द टेबल फॉर ऑल द कैलकुलेटेड वैल्यूज. एंड फर्स्ट है आपका बिटवीन सैंपल, तो वो आया आपका 8. सेकेंड इज द विद इन सैंपल, वो आया आपका 24. हियर इज द टोटल. एंड जो डी एफ था बिटवीन सैंपल के लिए किए था 3 माइनस 1, क्योंकि आपके टोटल 3 वेराइटीज थी ए बी एंड सी. तो के माइनस 1 आपका बिटवीन सैंपल के लिए डी एफ आया 2. एंड विद इन सैंपल के लिए एन माइनस के, एन होगा 12. वाई? बिकॉज के इज 3 एंड हर एक वेराइटी में आपकी नंबर ऑफ सैंपल्स थे 4, तो 3 इंटू 4 इज 12, तो 12 माइनस 3 इज 9 एंड टोटल विल बी 11. 12 माइनस 1 11, और यू कैन डायरेक्टली ऐड 9 प्लस 2 दैट इज ऑल्सो 11. सो एम एस बी आया एस एस बी अपॉन डी एफ, डी एफ इज के माइनस 1 तो आया 4. एम एस डब्ल्यू इज एस एस डब्ल्यू अपॉन डी एफ और एन माइनस के, वो आया आपका 2.67, तो वी कैन कैलकुलेट द एफ. एफ इज एम एस बी अपॉन एम एस डब्ल्यू, तो दैट इज आपका 1.5. अभी ये तो आपकी हुई कैलकुलेटेड वैल्यूज जो आपने पूरा प्रोसीजर फॉलो करके कैलकुलेट की. सेकेंड होती है एफ रेशियो में टेबुलेटेड वैल्यू, जो आपका फिक्स एक टेबल में दिया हुआ होता है फॉर द गिवन डी एफ. तो 5% लेवल पर जब हम देखते हैं तो आपका एफ रेशियो आता है फॉर द गिवन डी एफ दैट इज 2 एंड 9, तो उसके लिए आता है 4.26. तो वॉट एग्जैक्टली इट मीन्स कि कैलकुलेटेड वैल्यू इतना है एंड टेबुलेटेड वैल्यू इतना है, तो वो क्या इससे कंक्लूजन निकलता है दैट अबाउट टेबल शोज दैट कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ इज लेस देन 1.5 इज लेस देन द टेबुलेटेड वैल्यू विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 एंड 9 एंड हेंस कुड हैव अराइजन ड्यू टू चांस. सो दिस एनालिसिस सपोर्ट द नल हाइपोथेसिस एंड डिफरेंस इन वीट आउटपुट ड्यू टू वेराइटीज इज इनसिग्निफिकेंट एंड इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस एंड इट मीन्स दैट द वेराइटीज नॉट सो मच डिफर फ्रॉम ईच अदर. जो तीनों वेराइटी हैं ए बी एंड सी वो मोर और लेस सेम ही है. नेक्स्ट टेबल देख लेते हैं टू वे अनोवा का. तो यह इज द टेबल फॉर टू वे अनोवा. तो यहाँ पर आपकी जो ये रो हेडिंग है वो सेम है एंड यहाँ पर बिटवीन कॉलम्स एंड बिटवीन रोज लिखा है बजाय बिटवीन एंड विद इन के. और ये रेसिडुअल एरर का एक और ऐड हुआ है. सो एसएससी टेंड्स फॉर सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम्स एंड सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रोज. एंड फॉर्मूला अगर ध्यान से देखेंगे तो सेम ही है. ठीक है. सो वेरियंस जो आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो यहाँ पर कॉलम सी माइनस वन और यहाँ पर आ जाएगा रोज के बीच में है तो आर माइनस वन. एंड जो रेसिडुअल एरर होगी वो टोटल में से बिटवीन प्लस बिटवीन कॉलम एंड बिटवीन रोज को माइनस करेंगे टोटल में से तो वो आपका एरर आ जाएगा. और अदरवाइज टोटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है. एंड जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी वो होगी कैपिटल एन माइनस वन.
एंड एरर के केस में होगा आपका या वो होगा वी रेसिड्यूअल वेरिएंस ऑफ रेसिड्यूअल या एरर सी माइनस वन इंटू आर माइनस वन. तो ये देखेंगे. सो मीन सम ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कॉलम्स के लिए एसएससी जैसा आपका वन वे था ये वही हो जाएगा एसएससी. वहां पर एसएसबी अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम डीएफ था, के माइनस वन था, यहाँ पर वो सी माइनस वन है तो सी माइनस वन हो गया. वहां पर एसएसडब्ल्यू अपॉन डीएफ था, यहाँ पर डब्ल्यू की जगह आपका रोज के रेस्पेक्ट में आ गया एंड आपकी डीएफ होगी आर माइनस वन. और एमएससी आज आप हो जाएगा आपका एसएसई अपॉन सी माइनस वन इंटू आर माइनस वन. इसी तरीके से आप F दोनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉलम्स के लिए भी एंड रो के लिए भी. दोनों में नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है वो MSE रहेगा एंड न्यूमरेटर आपका अकॉर्डिंग टू कॉलम और रोज जो भी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर रहे हो वो आ जाएगा. सो MS रेसिड्यूअल इज ऑलवेज ड्यू टू द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग एंड हिंस सर्व एज द बेसिस फॉर द सिग्निफिकेंस टेस्ट एंड बोथ द एफ रेशियो आर कंपेयर विद देयर करस्पॉन्डिंग टेबल वैल्यूज. तो यहाँ पर जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी आएगी एंड जो भी टेबुलेटेड वैल्यू होगी उससे आपका वो कंपेरिजन होगा फॉर गिवन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी आपका डी एफ है एट अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथिस में देखा था, जनरली हम 5% या 1% पर लेकर चलते हैं. अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं. सेटअप एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल फॉर फॉलोइंग टू वी डिजाइन रिजल्ट्स. तो हियर इज द टेबल. तो यहाँ पर ये ए बी सी दिया हुआ है, लाइक आपका जो प्रीवियस एग्जांपल था वही सेम सैंपल वैल्यूज हैं. यहाँ पर नंबर ऑफ प्लॉट्स की जगह वेराइटीज ऑफ फर्टिलाइजर हमने एक ले लिया, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया. फर्टिलाइजर्स पे भी वो वेराइटी ऑफ सीड्स एंड वेराइटी ऑफ फर्टिलाइजर्स. वहां पे प्लॉट तो वो कॉन्स्टेंट था तो इसलिए वहां पर उसका कोई वैसे मतलब नहीं था. तो सबसे पहले हम टोटल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, टोटल सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स. तो 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 8 लाइक 5 प्लस 3 प्लस 7 सो ऑन. तो वो आया हमारा 60. जो टी था ना टेबल में वो टोटल के लिए था. सो वी हैव समेशन ऑफ एक्स और जी, इसलिए मैंने लिख दिया है ग्रैंड वैल्यू के लिए. मैंने आपको प्रीवियस उसमें वन में भी बताया था एंड वो होगा आपका 60 एंड एक्स मतलब टोटल जितने भी सैंपल्स हैं उन सबका एडिशन एंड नंबर ऑफ सैंपल्स हो जाएंगे आपके ये 4 + 4 + 4 तो ये हो जाएगा 12. 3 × 4 भी कर सकते हो, 1, 2 and 3. 3 × 4 भी आप करेंगे तो भी आपका आएगा 4. तो इस तरीके से ये आपके टोटल आया 12 आया. यहाँ पे स्मॉल एन भी लिख सकते हैं, कैपिटल एन भी लिख सकते हैं. अब यहाँ पे आता है करेक्शन फैक्टर. तो करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला जो है स्क्वायर ऑफ टोटल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ सैंपल्स. तो स्क्वायर ऑफ टोटल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ सैंपल्स कैसे करेंगे इसे. सो स्क्वायर ऑफ टोटल वैल्यू आई हमारी 60, तो 60 का स्क्वायर होगा अपॉन नंबर ऑफ सैंपल्स है 12, तो वो आया हमारा 300. तो ये आपका हुआ करेक्शन फैक्टर. तो सिंपल क्या होगा कि आपके एग्जाम में जनरली इतना सब्जेक्टिव वे में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है. तो यू नीड टू रिमेंबर हाउ टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यूज, द ग्रैंड वैल्यूज एंड द नंबर ऑफ सैंपल्स एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करेक्शन फैक्टर. नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे टोटल SS, वो होगा आपका स्क्वायर ऑफ ऑल द आइटम वैल्यूज माइनस द करेक्शन फैक्टर. तो वो आया था हमारा 300 एंड स्क्वायर ऑफ ऑल द आइटम वैल्यूज करेंगे तो जो भी आपकी वैल्यूज हैं उन सबका स्क्वायर का ऐड करेंगे तो वो आपका 332 आएगा. टोटल वो आपका 32. सो नाउ SS बिटवीन कॉलम ट्रीटमेंट के लिए देखें. तो कॉलम ट्रीटमेंट के लिए होगा सम ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल कॉलम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल्स इन अ कॉलम माइनस करेक्शन फैक्टर. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, सम ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल कॉलम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल्स. तो स्क्वायर ऑफ ऑल इंडिविजुअल कॉलम, तो ये यहाँ पर आप फिगर से देखेंगे. सो नंबर ऑफ सैंपल इन ए कॉलम ये है यहाँ पर 4 एंड इंडिविजुअल कॉलम का अगर हम सम करें तो यहाँ पे आए 24. तो 24 का स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ पर 20 आया तो 20 का स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ पर है 16, तो 16 का स्क्वायर अपॉन 4. तो ये आपका आएगा SS बिटवीन कॉलम. नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका SS बिटवीन रोज ट्रीटमेंट. तो उसके लिए रहेगा सम ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल रो अपॉन नंबर ऑफ सैंपल माइनस करेक्शन फैक्टर. प्रीवियस वाला सेम ही था, यहाँ पर रो की जगह कॉलम था
और यहाँ पर रो है तो रो के लिए कैलकुलेट करेंगे, वहां पर हमने कॉलम का एडिशन किया था, यहाँ हमने रो का एडिशन किया है. सो सम ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल रो, तो फर्स्ट रो का एडिशन है 16, तो 16 का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ सैंपल कितने, 1, 2 एंड 3, क्योंकि रो में 3 है, कॉलम में अगर आप कॉलम वाइज आओगे तो वो 4 आएगा. सिमिलरली फॉर सेकेंड के लिए, सेकेंड रो के लिए हो जाएगा 16, उसका भी एडिशन 16 है, 16 × 16/3. थर्ड रो का है एडिशन है 9, तो 9 का स्क्वायर अपॉन 3, एंड फोर्थ रो का है 19, तो 19 का स्क्वायर अपॉन 3. करेक्शन फैक्टर हमने कैलकुलेट किया ही था सबसे पहले स्टेप में, तो देखेंगे वो आया हमारा 18. नेक्स्ट रहेगा एसएस रेसिडुअल, और इसको हम बोलेंगे एरर. तो उसका फॉर्मूला था टोटल जो आया वो टोटल आया था हमारा 32, उसमें से बिटवीन कॉलम्स एंड बिटवीन रोज को माइनस ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बिटवीन कॉलम्स आया था हमारा 8 एंड बिटवीन रोज आया था 18, तो एसएस रेसिडुअल आया हमारा 6. सो स्टेप 7 में हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वेरियंस बिटवीन कॉलम सी माइनस वन, जो कॉलम थे वो थे आपके 1, 2 एंड 3, 3 थे तो 3 − 1 = 2 आया. बिटवीन रोज, रोज थी आपकी 4, तो वो आई आपकी DFi 3. रेसिडुअल वेरियंस के केस में सी माइनस वन इंटू आर माइनस वन, तो वो हो गया आपका 6, एंड टोटल वेरियंस होगा एन माइनस वन, तो एन है टोटल 3 × 4, यानी 12 − 1 = 11. तो इस तरीके से आप ये टेबल की फॉर्म में इसे आप यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख सकते हैं. मोस्टली इस पूरा आपको न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करने को नहीं आएगा सारी कैलकुलेशंस, बट आपको स्पेशली एसएस रेसिड्यूअल या फिर बिटवीन कॉलम्स या बिटवीन रोज एक पार्ट्स में कैलकुलेट करने को पूछा जा सकता है, एंड पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जाम्स में. सो बेटर है आप पूरा फॉर्मूलाज एंड प्रोसीजर ध्यान में रखें, तो उस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे. So here is all the values that we have calculated in the table. So SSC between column is 8 and SSR between rows is 18 and SSE is 6 and total SST is sum of squared is 32. जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कॉलम्स बिटवीन कॉलम्स इज 2, बिटवीन रो इज 3, एंड जो रेसिड्यूअल और एरर है दैट इज सी माइनस 1 इंटू आर माइनस 1, ये इंपॉर्टेंट है, छोटा सा फॉर्मूला है याद रखना जरूरी है, वो आया 6 एंड टोटल वी है हुआ 11. जब हमारे पास एसएससी है और डीएफ है तो वी हैव कैलकुलेटेड एमएससी एंड एमएसआर, सिमिलरली एसएसई अपॉन सी माइनस 1 इंटू आर माइनस 1. ठीक है, इससे फिर हमने एफ रेशियो कैलकुलेट किया दोनों के लिए, कॉलम्स के लिए और रेशियो रोज के लिए, एंड देखा कि एफ जो कैलकुलेटेड है बिटवीन द कॉलम्स, अगर वो हम टेबुलेटेड फॉर्म में देखें, बिकॉज जो एफ रेशियो है वो कैलकुलेटेड जो हमने सारा प्रोसीजर फॉलो करके किया है वो वैल्यू है, एंड इसकी एक स्टैंडर्ड टेबल होती है, वो 5% एफ लिमिट के लिए 5% एफ रेशियो जो हमने देखा है वो टेबल में आता है 5.14. सो मीन्स कैलकुलेटेड वैल्यू लेस है कंपेयर टू द टेबुलेटेड वैल्यू. बिटवीन रोज देखेंगे तो कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द टेबुलेटेड वैल्यू. अब इन सब का एग्जैक्टली मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं. सो द अबाउट टेबल शोज दैट कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ इज 4, विच इज लेस देन द टेबल वैल्यू 5.14 एट 5% लेवल, विद डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2 एंड 6, इसके लिए है 2 एंड 6, एंड रोज के लिए हो जाएगी 3 एंड 6, उसके लिए कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन एट द टेबुलेटेड वैल्यू. So it means that difference concerning varieties of seeds are insignificant at 5% level. जो हमने कॉलम वाइज देखा वेराइटीज ऑफ सीड था, बिकॉज द एफ वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द टेबुलेटेड वैल्यू. ओके वैल्यू ऑफ बट द वेराइटी ऑफ डिफरेंस कंसर्निंग फर्टिलाइजर्स आर सिग्निफिकेंट एज द कैलकुलेटेड एफ रेशियो ऑफ 6 इज मोर देन इट्स टेबुलेटेड वैल्यू. सो fertilizers act differently, the different varieties of seeds are affected differently. So all over agar dekha jaye, this is all about the procedure numerical calculation for one way or two way, but aapko calculation procedure pura dhyan rakhna hai, but wo pura ek sath aapko kabhi bhi pucha nahi jayega, wo aapko small twists and turns leke छोटे छोटे फॉर्मूलाज के बेस्ड पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस्ड पे, या सिंपल आपको वैल्यूज दी जाएंगी, फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट उसके लिए भी आपको पूरा प्रोसीजर तो याद रखना होगा. सो हियर इज द न्यूमेरिकल जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो यहाँ पे अब हमें आई थिंक आपको समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करना है. तो ये है अल्फा, ठीक है, ये है बीटा,
और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें दिया हुआ है, डायरेक्टली टेबल में वैल्यूज दी हुई थी 2 और 3, तो 2 कैसे आया, कैलकुलेट कैसे आया, हियर इज अ फॉर्मूला सी माइनस 1 से एंड आर माइनस 1 से, एंड वी नो द बीटा के लिए हम कैसा कैलकुलेट करते हैं, सी माइनस 1 इंटू आर माइनस 1, एंड अल्फा क्या होगा, अल्फा आपका होगा, वी नो द फॉर्मूला that SSE is equal to total SS minus SS between columns plus SS between rows. So we know the SSE that is 20 and total कितना है 640 minus 280 plus alpha. जो columns का है वो है 280 and rows के बीच में है alpha. तो ये हो जाएगा जब equation आप solve करेंगे you can find out कि alpha आया आपका 340. Similarly beta we know C minus 1 into R minus 1. R2 आपको दिया हुआ है and R minus 1 का value दिया हुआ है. Simply you can multiply. तो ये आपका आ गया 6. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चंस एनोवा से एक्चुअली लास्ट ईयर काफी क्वेश्चंस आए हैं, अराउंड 6-7 क्वेश्चंस आए हैं. तो ये वैसे इंपॉर्टेंट है, एक बार सिंपल सा प्रोसीजर है, याद रहेगा, समझ में आएगा तो बहुत इजी आप कर पाओगे. एक और एग्जांपल देख लेते हैं अनोवा से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का. इफ देयर आर आर रोज एंड एस कॉलम्स इन अ टू वे अनोवा देन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन द रो इज. सो बिटवीन द रो, रो के रिस्पेक्ट में जब हम लेते हैं तो नंबर ऑफ रोज माइनस 1 था, और कॉलम के रिस्पेक्ट में लेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1. तो यहां पर रो को डिनोट किया है आर से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर माइनस 1. एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जो डायरेक्टली अनोवा से रिलेटेड नहीं है, बट ठीक है, यहाँ पर कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड वेरिएंस से है, यहाँ देख लेते हैं. सो फॉर अ ग्रुप ऑफ 5 मेल रेजिडेंट्स इन अ सोसाइटी द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ देयर एजेस आर 63 एंड 9 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, एंड फॉर अ ग्रुप ऑफ 4 फीमेल रेजिडेंट्स दीज वैल्यूज आर 54 एंड 6. द वेरियंस ऑफ द कंबाइंड ग्रुप ऑफ मेल एंड फीमेल रेजिडेंट इज. तो कंबाइंड करें अगर मेल और फीमेल के ग्रुप को तो हमें उसका वेरियंस फाइंड आउट करना है. तो ये जो वेरिएंस है कंबाइंड मीन का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, तो वहीं से ये देखेंगे कि n1 हमारे पास 5 है, x1 बार गिवन है, ठीक है, फर्स्ट जो ग्रुप है उसका मीन दैट इज 63, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को होता है डिनोट करते हैं s या st से या सिग्मा से, वो दिया हुआ है 9, बट वेरियंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81. एंड सिमिलरली n2 के लिए हमने डेटा लिखा, एंड हियर इज द फॉर्मूला फॉर कंबाइंड मीन जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख ही चुके हैं. सो हमने 59 कैलकुलेट किया. अभी वेरियंस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, वेरियंस के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा. एक्चुअली ये इतना ज़्यादा पहले कभी पूछा नहीं गया है, इसलिए ज़्यादा डिस्कस भी नहीं होता ये फॉर्मूला, बट अभी लास्ट ईयर ये आया है क्वेश्चन, तो वी नीड टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला ऑल्सो. सो सिस्टमेटिक तरीके से याद करेंगे तो समझेगा, पहले n1 के लिए, दूसरा सैंपल n2 के लिए, s1 स्क्वायर प्लस x1 बार माइनस xc का होल स्क्वायर, और दूसरे सैंपल के लिए सेम है, जहां पर 1 है वहां पर वो सारे 2 हो जाएंगे नीचे दोनों सैंपल का एडिशन, जैसे कंबाइंड मीन में था. सो नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज एंड वी कैन पुट ऑल द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर. सो आंसर बी will be आपका answer रहेगा, and 81 is your answer. So this is all about ANOVA, that is analysis of variance. इस lecture में हमने table and numerical discuss किए हैं. Basics and introduction के लिए आपको lecture 21 देखना होगा. Next lecture में we will see time series analysis. Thank you.